एक्चुअली विहान ने भी रचना का बहुत दिल तोड़ा है. विहान ने रचना की इंसल्ट की है, उसके परिवार वालों की बहुत इंसल्ट की है. ये बोल गई कि तुम बहन जी हो और बहुत सारी बातें बोली है. सो रचना से परिवार की इंसल्ट कौन से हो? अच्छा, परिवार की इंसल्ट नहीं की? कितनी इंसल्ट की परिवार वालों की? नहीं, क्या होता है कि मैंने जैसे गाँव वाली लड़की नहीं बोला, मैंने बोला था बहन जी है. और एक हाँ, एक क्या होता है, हर एक इंसान का एक एक पेशेंस लेवल होता है और इमोशनल आउटबर्स्ट होता है एक दिन इंसान का. अब जैसे कि मैं विहान रचना की हेल्प करते हुए आया था इतने टाइम से और उससे दूरियां बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो वो उसके लिए एक पार्टी थ्रो करता है और वो सोचता है कि मैं सरप्राइज़ दूंगा और वहाँ प्रपोज करूँगा मैरिज के लिए और ये दूरियों को कम करूँगा. और वहाँ पे जो मिसअंडरस्टैंडिंग होती है हम दोनों के बीच में, वो रिज़ल्ट होता है एक इमोशनल आउटबर्स्ट का. तो क्या होता है कि कोई भी इंसान हो, जितना भी प्यार करता हो, हर इंसान मेरे ख्याल से प्यार में भी गुस्से में कुछ ऐसी बातें बोल देता है. बिकॉज वो हर्ट होता है तो वो सामने वाले को भी चुबाने के लिए उस टाइम पे बोल देता है, बट वो मीन नहीं करता उन चीज़ों को. बट यहाँ पे हुआ ये है कि रचना को इतनी बुरी लग गई वो बातें विहान की बोली हुई कि वो उससे निकल नहीं पा रही है और उसको बहुत हर्ट फील हुआ है. मेरा पॉइंट ये था वहाँ बोलने का कि जब वो अकेली थी तब परिवार नहीं था उसके साथ, तब परिवार पूरा अगेंस्ट था उसके, तब सिर्फ विहान था. तो अगर विहान से एक गलती हो गई तो ठीक है, हो जाती है हर एक इंसान से गलती. मेरा मानना यह है कि विहान ने एक बार रचना की सगाई तोड़ी थी, उसने गुंजन को रिंग पहना दी थी और आज उसने ये कह दिया कि तुम बहन जी हो, तो कहीं ना कहीं विहान के मन में था कि यार रचना ऐसी है. तो उसने मजाक में बोला या फिर कैसे भी बोला हो, तो रचना को ये बात बहुत छुपी. नहीं, क्या बात है, रचना को उसने पार्टी कहकर नहीं बुलाया, रचना को ये कहकर बुलाया कि रचना मुझे कुछ हो गया है ये वो, और उसने बहुत नाटक करके बुलाया. तो रचना घर में किसी को बिना बताए पार्टी में गई और वहाँ जाके उसे पता चला कि अपने दोस्तों के सामने प्यार प्रूव कर रहा है. तो इसका मतलब क्या है, वो प्रूव करना चाहता था लोगों को कि मैंने सब कुछ किया है, मैं हूँ, मैंने ही सब कुछ किया है. तो अगर ये है तो क्या फ़ायदा? मेरे दिल में तो प्यार है ही, मैं तो कहता ही हूँ कि गलती हुई है मुझसे. और ये बोलती है कि प्यार नहीं है, बट अभी आप देखेंगे आगे कि पता लगेगा. वो अगर इज्जत की बात करती है इतनी छोटी होके, तो जो सावित्री देवी है वो तो मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए पर नहीं आएगी. पर सावित्री के लिए माय डियर विहान से ज़्यादा कुछ नहीं है लाइफ में. तो जब उसने कह दिया कि मॉम अगर मेरे लाइफ में रचना नहीं है तो कुछ नहीं है, तो फिर माँ के आगे तो कोई रास्ता ही नहीं रह जाता ना, फिर तो उसे आना ही पड़ेगा. जो ज़्यादा से ज़्यादा कर सकती थी वो यही कि मैं दयाल और शैल के सामने आके रचना का रिश्ता मांगूं, लेकिन वो अब उसने मना कर दिया है. तो हम भी इंतज़ार करेंगे अपने बेटे के साथ कि उसका मन बदल जाए और उसे एहसास हो जाए कि मेरा बेटा विहान उससे सही में बहुत प्यार करता है. और प्यार जताने के, प्यार करने के बहुत से तरीके होते हैं. तो शायद ये उसे अभी समझ नहीं आया कि उसने गुस्से में जो कहा वो उसका एक तरीका था प्यार करने का, प्यार जताने का, हक जताने का. वो हक को समझ नहीं पाई. जब समझ जाएगी तो वो वापस हमारे घर में बहू बनकर आ जाएगी. तब तक हम इंतज़ार करेंगे.